बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आज रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और विपक्षियों को जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी और नोटबंदी का विपक्षियों ने खूब प्रचार किया कि इस फैसले से जनता परेशान हो रही है, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी के बाद अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में जनता ने बीजेपी को जीत से बता दिया है कि बीजेपी की नीतियों को जनता पसंद करती है। उन्होंने कहा प्रदेश में भी उनकी सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है और प्रदेश सरकार ने भेदभाव को खत्म कर समान रूप से काम किया है। बता दें दिल्ली रोड स्थित मधुसूदन स्थल पर स्वामी विवेकानंद जी की 155वीं जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 155 से ज़्यादा युवाओं ने रक्तदान कर संदेश दिया कि उनका खून किसी और को नई जिंदगी दे सकता है। बीजेपी जहां लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा छेड़छाड़ के मामले में 5 माह बाद जमानत पर बाहर आया है। जब ये सवाल सुभाष बराला से पूछा गया तो इसे निजी सवाल बताते हुए उन्होंने किनारा कर लिया। सुभाष बराला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उसमें नोट विजिबल घटनाओं को छोड़कर 60% पूरी होने को हैं और जो नोट विजिबल घोषणाएं हुई हैं वो आगे से नहीं होंगी, केवल वही घोषणाएं की जाएंगी जो पूरी हो सकें। रेवाड़ी हरियाणा से प्रेम भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। गिरने वाली नहीं, एक क्षण आता है इस प्रकार का जब गिरती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो इस मंदी के दौर में भी, आर्थिक मंदी के दौर में भी 7.5 से ऊपर हमारी का जो विकास दर है वो देश की रहने की जो एक संभावना है विश्व बैंक ने जताई, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ इस प्रकार से हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, लगभग 3.25 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पारदर्शी सरकार, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जिस प्रकार से हरियाणा के सभी क्षेत्रों को बिना किसी भेदभाव को समान रूप से उनका विकास हो, सभी क्षेत्रों में पहले जिस प्रकार का भेदभाव होता था विकास के मामले में उसको खत्म करते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करते हुए सरकार आगे बढ़े, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो और चाहे वृद्धावस्था सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी करके। देखिए आप निजी मामलों पर नहीं जा करके अगर आज का जो हमारा एक अवसर है उसकी बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। रेवाड़ी में भाजपा ने मुख्यमंत्री ने 98 पूरी ना हो सके। देखिए मुख्यमंत्री जी ने इस बात का कड़ा नोटिस लिया है कि घोषणाएं वही हों जो फिजिबल हों। शुरू में कुछ कमियों की वजह से इस प्रकार की घोषणाएं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी निजी प्रयास करके इस प्रकार की घोषणाएं आगे ना हो इस बात का प्रयास उनका जारी है। और पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर घोषणाओं की बात करें तो 60% के आसपास घोषणाएं या तो पूरी हो गई या उनके ऊपर काम चल रहा है और बाकी की घोषणाएं भी जल्दी वो पूरी होंगी, केवल नॉन फिजिबल इस प्रकार की घोषणाएं छोड़कर।